सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बाज नहीं आ रही बीजेपी। मेयर चुनाव में हार से बौखलाई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फिर कर दिया खेल। नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी मेयर डिप्टी मेयर के पद का चुनाव नहीं हो पा रहा था। मोदी सरकार पर आरोप लग रहा था कि वो साजिशन पर्दे के पीछे से खेल कर रही थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया। मोदी सरकार को फटकार लगाई, फिर चुनाव हुआ और चुनाव में मेयर पद डिप्टी मेयर पद पर आम आदमी पार्टी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर कर दिया खेल। पहले दिन हो गया हंगामा, फिर से होगा चुनाव। क्या आम आदमी पार्टी फिर से मारेगी बाजी या बीजेपी अपने खेल में हो जाएगी सफल? आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेयर डिप्टी मेयर पदों पर आम आदमी पार्टी ने गाड़ा झंडा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीतने के बाद भी दो महीने से नहीं हो पा रहा था मेयर का चुनाव, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आम आदमी पार्टी ने झंडा गाड़ दिया। सदन में मेयर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कुछ देर में चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराय को मेयर पद के चुनाव में भारी मत से जीत मिली। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के पहले बीजेपी कर रही खेल। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव के लिए दोबारा वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान 8 पार्षद शामिल नहीं हुए। 250 पार्षदों में से 242 पार्षदों ने वोटिंग की। वोटिंग के दौरान पार्षदों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। दरअसल बुधवार को मोबाइल ले जाने के चलते ही सदन में हंगामा हुआ था। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रुक गया था। सिर्फ 47 पार्षद ही वोट डाल पाए थे। बीजेपी फिर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ी थी। मेयर शैली ओबराय ने इस मांग को मानते हुए आज दोबारा चुनाव के आदेश दिए। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के बवाना वार्ड से आप पार्षद पवन सहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 22 फरवरी को जमकर हुआ था हंगामा। दरअसल स्थायी समिति के मेंबर के चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान पूरी रात हंगामा हुआ था। ऐसे में सिर्फ 47 वोट ही पड़े थे। बीजेपी का आरोप था कि पार्षदों को मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति दी गई और कुछ पार्षदों ने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हुई। नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते नजर आए थे। सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई थी। सदन की कार्रवाई अगले सुबह तक चली थी, लेकिन वोटिंग नहीं हो पाई। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 7 प्रत्याशी है मैदान में। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सीटों के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। श्रीराम कॉलोनी वार्ड से अमिल मलिक, फतेह नगर वार्ड से रमिंदर कौर, सुंदर नगरी वार्ड से मोहिनी जीनवाल और दरियागंज वार्ड से सारिका चौधरी आपके उम्मीदवार हैं। द्वारिका बी वार्ड से कमलजीत सहरावत और झिलमिल वार्ड से पंकज लुथरा भाजपा के उम्मीदवार हैं। निर्दलीय पार्षद गजेंद्र सिंह दराल, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, भी उम्मीदवार हैं।